दूं, सिस्टमेटिक जो रैंडम सैंपलिंग टेक्निक है ये बिलोंग करते हैं बेटा कहां से, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक से। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक क्या करती है कि ऑल पॉपुलेशन को, जो एंटायर पॉपुलेशन है उन सबको क्या करती है बेटा, इक्वल चांस देती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, राइट। अब इधर देखो ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ए रिसर्चर वांट टू चूज अबाउट 100 सब्जेक्ट फ्रॉम द टोटल टारगेट पॉपुलेशन ऑफ 500। मान लीजिएगा कि आपके पास, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी, मैं लिख रहा हूं टोटल टारगेट पॉपुलेशन, ये बात आपको समझ में आया, यानी कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ टोटल टारगेट पॉपुलेशन पे आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ टोटल टारगेट पॉपुलेशन। ये देखो नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ टोटल टारगेट पॉपुलेशन कितनी है आपकी, यहां लिख देता हूं, अरे कितनी है 500। और सैंपल साइज कितनी है, सैंपल साइज कितनी है 100। ये रहा सैंपल साइज कितनी है 100। एक बार दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स्ड कर लेना कि अगर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक की बात आ जावे तो सबसे पहले दिमाग की बत्ती में एक ही आंसर आना चाहिए कि ऑल पार्टिसिपेंट, यानी कि एंटायर पॉपुलेशन को क्या देना है, इक्वल चांस। अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है तो फिर इक्वल चांस नहीं देना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में तो क्या देना है, ऑल पॉपुलेशन को इक्वल चांस इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। तो इसको कैसे निकालोगे, एक सिंपल कैलकुलेशन करना कि जो के होता है, ये जो के का मींस होता है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, क्या होता है के का मींस, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, याद रहेगा। अब एक फॉर्मूला याद रखना, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, क्या याद रखना, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। इस फॉर्मूला को याद रखना जब जब भी सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक आए तो। अब देखना इधर जो कैपिटल एन होता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ये देखो नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, इसको क्या करेगा बेटा, रिप्रेजेंट करेगा। अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट में कितना आ गया आपके पास, 500। अब इसके बाद सैंपल साइज रिप्रेजेंट करता है किसको, स्मॉल एन, और सैंपल साइज आपकी कितनी है 100। अरे ये तो लिखा 100 क्या है, सैंपल साइज, और टोटल टारगेट पॉपुलेशन कितनी है आपके पास, 500। अब क्या करना है कि इस फॉर्मूला में डालो, यहाँ क्या लिख दोगे 500, और यहाँ क्या लिख दोगे बेटा 100, यानी कि स्मॉल एन सैंपल साइज, कैपिटल एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। इसे आप कट करोगे तो के की वैल्यू यानी कि कितनी आ जाएगी आपके पास, अरे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब 5 का मीन्स ये है कि आपको जो 500 आपकी पॉपुलेशन है ना, वो 500 पॉपुलेशन का 5-5 का क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, और एवरी 5 पॉपुलेशन में से एक सेलेक्ट करना है, कितना एवरी 5 पॉपुलेशन में कितना करना है, एक सेलेक्ट। आगे आपको समझ में, 5 में से क्या करना है, सिर्फ एक सेलेक्ट करना है। अब 5 में से एक करोगे तो 100 में से कितना सेलेक्ट करोगे, 20। अरे 100 में से 20 सेलेक्ट करोगे ना, 100 में से 20 होगा कि नहीं होगा, अरे 10 में 2 करोगे, 20 में 4 करोगे, 40 में 8 करोगे, 80 में 16 करोगे, और फिर 20 में 4 हो तो हो गया 100। अरे 20 में हो गया ना 100, 16 4 20 हुए, तो यानी कि 100 में कितने सेलेक्ट करेंगे, 20। अब उसके बाद कितना आपके पास, 500, तो इंटू कितना कर लेंगे 5, कितना कर लेंगे इंटू 5, तो कितना आ जाएगा आपके पास, अरे कितना आ जाएगा देखो आप, कितना आ जाएगा 100। तो आपकी अब पॉपुलेशन साइज कितनी आ गई, 100, देख लो आप, सैंपल साइज आ गई आपके 100, अरे सैंपल साइज 100 आई कि नहीं, आ गई ना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सिंपल रैंडम टेक्निक से सैंपल को सेलेक्ट करना है।
अरे आया कि नहीं आया समझ में, यानी कि जितने भी पॉपुलेशन है उसमें भाग देना है किसका, यानी कि सैंपल साइज का, और उसके बाद जो आएगा उस एवरी पर्सन में से, एवरी के में से, मैं लिख रहा हूँ एवरी के में से क्या करना है, एक सेलेक्ट करना है, यही तो बोल रहा है। एवरी फिफ्थ, एक का मीन्स यहाँ पे क्या है, फिफ्थ। अगर